दोस्तों मैं विनोद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बोल तो जाऊँगी। दोस्तों फाइनली गर्मी आ गई है और यह सबसे महत्वपूर्ण समय है इसी फार्म को समझने का, ठीक है। क्योंकि ठंड में तो जैसा हम इसी फार्म में परफॉर्मेंस चाहते हैं वैसा वैसा हमें ओपन फार्म में मिल जाता है। बस हमें डेंसिटी का फर्क होता है कि जहाँ पर हम 5000 बच्चे पाल सकते हैं वहाँ पर हम 3500 बर्ड की फार्मिंग करते हैं। किंतु इसी फार्म में का जो सबसे बड़ा जो फायदा है वो है नंबर वन फायदा कि हम ज़्यादा डेंसिटी पे फार्मिंग करते हैं, और दूसरा फायदा कि गर्मी से होने वाली मोर्टलिटी जो है जो ओपन फार्म में ज़्यादा होती है वह इसी फार्म में जो है उसमें लगभग मतलब उनमें जो मोर्टलिटी की जो दर है वह कम हो जाती है, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ पहले बता दूँ कि इसी फार्म का बीमारियों से कोई संबंध नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसी फार्म बना लिया तो आपके फार्म में बीमारियाँ नहीं आएगी। हाँ, ओपन फार्म की तुलना में बीमारियाँ कम आएगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ओपन फार्म और इसी फार्म के दोनों उसको एक एक थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ओपन फार्म में हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब सनराइज होता है तो फार्म की छत से होते हुए और दीवार से जाके और सनसेट हो जाए, ठीक है। तो जिससे फार्म के अंदर गर्मी कम से कम रहेगी और मुर्गियों को कम से कम परेशानी होगी, ठीक है। ये है हमारे ओपन फार्म की बात है, ठीक है। किंतु इसी फार्म में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये फार्म पूरा पैक होता है और इसके अंदर जो वेंटिलेशन होता है वह कृत्रिम रूप से वेंटिलेशन होता है। जैसे ओपन फार्म में नेचुरल वेंटिलेशन होता है, वैसे वैसे इसी फार्म में टनल वेंटिलेशन या फिर कंप्यूटर टनल वेंटिलेशन, जिस प्रकार से भी हम वेंटिलेशन करते हैं, किंतु वेंटिलेशन का तरीका कृत्रिम होता है, इसलिए इसमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बता दूँ, ओपन फार्म में हम कोशिश ये करते हैं फार्म कम से कम चौड़ा हो। जैसे कि हमने देखा हुआ अधिकतर जो फार्म बने हुए हैं वह 28 फीट 30 फीट 32 फीट चौड़े हैं, इससे ज़्यादा जो आपको ओपन फार्म चौड़े नहीं मिलेंगे। अगर होंगे भी तो उसमें जो परफॉर्मेंस का जो परसेंटेज हो वह कम मिलेगा, ठंड में अच्छा मिलेगा, क्योंकि ठंड में जो है इतना वेंटिलेशन हमें इतनी आवश्यकता नहीं होती, जिसके कारण जो उसमें परफॉर्मेंस आ जाता है। क्योंकि गर्मी और बरसात के समय में ओपन फार्म बहुत महत्वपूर्न हो जाता है, और ओपन फार्म की जो चौड़ाई है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ओपन फार्म में हमें जैसे देखिए फार्म जो चौड़ा है इसमें क्रॉस वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है, मतलब कि एक हवा एक तरफ से हवा घुसे फार्म के अंदर और दूसरी तरफ से फार्म के बाहर निकल जाए। ये ओपन फार्म के केस की बात बता रहा हूँ, किंतु इसी फार्म में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता, इसमें टनल वेंटिलेशन होता है। एक पाइप के थ्रू पाइप के जैसा इसमें वेंटिलेशन होता है, एक तरफ से जो है हवा इंटर करती है कूलिंग पैड वाले हिस्से से हवा इंटर करती है और एग्जॉस्ट फैन वाले के हिस्से से बाहर चली जाती है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि फार्मर भाई को समझ में आए कि इसी फार्म का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ओपन फार्म का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा रहता है, ठीक है। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई हमारे ओपन फार्म और इसी फार्म। देखिए दोस्तों, इसी फार्म में और ओपन फार्म में फार्मिंग करने का तरीका दोनों का समान है, ठीक है। इसमें हम फार्मिंग में ये नहीं बोल सकते आपको इसी फार्म में ये करना है या ओपन फार्म में ये करना है, ठीक है। किंतु कुछ चीज़ें जो है इसी फार्म में और ओपन फार्म में जो है हमें ध्यान देने योग्य जो रहती है। और आपको एक बात बता दूं, आपको इसी फार्म में आपको सफल होने का जो कोई अलग से कोई विशेष फार्मूला नहीं होता है कि आप जो इसी फार्म बना लेंगे तो सफल होगा या नहीं, या फिर मतलब ओपन फार्म में की तुलना में इसी फार्म में क्या हमें अलग से करना होता है। दोस्तों सिंपल था, इसमें जो हमें ध्यान देने योग्य बात है, आपका फार्म पैकिंग अच्छी होना चाहिए, ठीक है। आपका कूलिंग पैड प्रॉपर तरीके से गीला होना चाहिए, और जो फार्म के अंदर जो आने वाली जो हवा है वो कूलिंग पैड से ही होके आए बस, और जो हवा जो है चूंकि एग्जॉस्ट फैन को बाहर निकाल ही देंगे तो जो फार्म के अंदर की जितनी भी गर्मी है वो एग्जॉस्ट फैन के थ्रू बाहर निकल जाए। मतलब कि फार्म के अंदर वेंटिलेशन को आप मजबूत रखिए, कूलिंग पैड बराबर तरीके से गीला हो, आपको अलग से कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप मुर्गियों को दाना पानी जिस प्रकार से सब कंपनियों का अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं उस स्टैंडर्ड के हिसाब से करते चले जाएंगे, आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। मतलब कहने का इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है वो ये है कि इसी फार्म में मैं आपको बता दूँ कि 12वें दिन आपको करना है, 13वें दिन क्या करना है, 14वें दिन क्या करना है, कुछ नहीं दोस्तों। मुर्गियों के लिए आवश्यक ब्रॉयलर फार्मिंग में सपोर्ट होने की जो आवश्यक शर्तें हैं, नंबर वन उनको जो है वेंटिलेशन चाहिए, इसी फार्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फीड अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, पानी सैनिटाइज होना चाहिए, और ठंडा तो सोच वाले इसी फार्म में तो हो ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी प्रॉपर वाटर इंटेक प्रॉपर होना चाहिए और फीड इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। इन बातों के ऊपर आप विशेष ध्यान रख लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप जो ब्रॉयलर फार्मिंग में आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, जैसे मेरे फार्म में 15वां दिन है आज, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो मैंने सेटअप बनाया था इसमें थोड़ा सा कार्य करना बाकी है, थोड़ा समय का अभाव के चलते मैं जो इसको कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, कोशिश करूँगा इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके। हम ये देखना चाहेंगे कि ये हो गया हमारे पास में केज सिस्टम, और ये जिसमें मैं खड़ा हूँ और जिसमें हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी फार्मिंग कर रहे हैं, ये हो गया हमारा डीप वीटर सिस्टम, ठीक है। तो हम देखना चाहते थे कि उसमें परफॉर्मेंस किसमें बेस्ट मिलता है। अब मैं इस फार्म के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, मेरे फार्म आप पीछे आपको 3 एग्जॉस्ट फैन दिख रहे हैं, जो बीच वाला जो पंखा चल रहा है यह
पर का है सिंगल फेस का, और इसको मैंने जो है इन्वर्टर सेटअप पे लगा रखा है, ठीक है। और जो दो पंखे, और ये सिंगल फेस का फैन है, ठीक है। और जो दो पंखे हैं, यह पंखे हैं टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड, ठीक है। मैंने टेम्परेचर सेट कर रखा है, चूंकि आज बैच का 15वां दिन है, और मैंने जो टेम्परेचर सेट कर रखा है वो 27, एक फैन को 27 पे सेट कर रखा है, दूसरे फैन को मैंने 27.5 डिग्री पे सेट कर रखा है, ठीक है। और मैंने पीछे जो पीछे एक बार थोड़ा सा घुमाइए, ये मेरे कूलिंग पैड लगे हुए हैं। आप ये कूलिंग पैड लगे हुए हैं, तो ये कूलिंग पैड जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे ही जैसे मान लीजिए 27 डिग्री से जो टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे ही जो कूलिंग पैड के साथ कूलिंग पैड की मोटर भी चालू हो जाएगी, और जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एग्जॉस्ट फैन भी बंद हो जाते हैं और कूलिंग पैड की मोटर भी बंद हो जाती है। कूलिंग पैड की मोटर में भी मैंने एक ऐसा सेटअप लगा रखा है कि मुझे पता है कि मेरे जो कूलिंग पैड है वो 120 सेकंड में गीले हो जाते हैं और 3 मिनट में सूख जाते हैं, तो मैंने क्या कर दिया है उनके अंदर भी जो है एक सिस्टम लगा दिया ताकि वो 120 मतलब दो मिनट ही चले और बचे हुए 3 मिनट जो है बंद रहे, जिससे फायदा ये हो रहा है, पानी की बचत हो रही है, दूसरा हमारा बिजली का भी बचत हो रहा है। अब जो मैंने इन्वर्टर सेटअप जो लगा रखा है वो 3.7 VA का इन्वर्टर है, जिसमें 4 160 AH की 4 12 बैटरी है, ओकाया कंपनी की, ठीक है। और उसमें मुझे जो फायदा है कि जो 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए नाइट के समय या दिन के समय जब लाइन का ट्रिपिंग होता है, उस समय क्या होता था कि मान लो 5 मिनट के लिए भी लाइट गई तो आपको जनरेटर चालू करना होता है, किंतु इसमें क्या होता है कि अगर मान लो लाइट चली गई और अगर आप 2-5 मिनट अगर बाहर भी रहे या कहीं पर रहे भी, तो उस कंडीशन में हमें एकदम से फांके में आने की आवश्यकता नहीं है। और इन्वर्टर हमारे जो क्योंकि अभी तो मिलियन सेकंड काम कर रहा है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि लाइन चली गई है, ठीक है। किंतु यह और अभी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो इन्वर्टर है मैंने जुलाई में भी लेके आया था, क्योंकि उस समय जो है लाइन का इंटरप्शन बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। तो जुलाई से अभी लास्ट जनवरी तक जो मेरी बेच रही तब तक तो जो है मुझे अधिकतर समय मेरे इन्वर्टर से काम हो गया, मैंने जनरेटर का कनेक्शन निकाला था रखा था। किंतु दोस्तों अभी का जो सीन है, क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है, इसलिए एक फैन में काम नहीं होगा, काम होगा तो हमें 2 एग्जॉस्ट फैन या 3 एग्जॉस्ट फैन से ही काम होगा, तो इसलिए मैंने जनरेटर का सेटअप भी लगा रखा है। दोस्तों इन्वर्टर से किस प्रकार से फार्मिंग होगी, सोलर इन्वर्टर से किस प्रकार से फार्मिंग होगी, हीट ब्रीडर सिस्टम के फायदे ये दोस्तों, और इसी फार्म में किस प्रकार से जो है हमें टेम्परेचर कितना कंट्रोल था, ये सारी जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारा जो है उस चैनल पे बहुत सारी जानकारी जो इसी फार्म से संबंधित मिलेगी।